الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. यह सूरतुल मुज़म्मिल की आखिरी आयत है। इस आयत के बारे में बाग़ मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि यह आयत मदीना में नाज़िल हुई। सूरह मुज़म्मिल की सूरतुल मुज़म्मिल की इससे पहले की आयत मक्की है और यह आखिरी आयत को मदनी करार दिया है बाज़ उलमा। लेकिन दूसरे मुहक्किकीन ये कहते हैं कि सूरतुल मुज़म्मिल की 1 से लेकर 19 तक की आयतें मक्का के शुरू दौर में नाजिल हुई है और आखिरी आयत कुछ दिनों के बाद मक्का ही में नाजिल हुई है और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों आयतों को जोड़कर एक सूरह बना दी। सूरतुल मुज़म्मिल के शुरू में ये बात आई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह ने कहा कि रात में क़यामुल लैल कीजिए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए पर थोड़ा सा सो जाइए, आधी रात नमाज पढ़िए या आधी रात से कुछ कम नमाज पढ़िए या उस पर कुछ ज्यादा कर दीजिए, आधी रात से कुछ ज्यादा नमाज और जब नमाज पढ़िए तो कुरान उसमें बड़ी तरतील के साथ पढ़िए, ठहर ठहर कर हुरूफ के तलफ्फुज की सही अदायगी के साथ। तिलावत के जो उसूल है उसे मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठहर ठहर कर कुरान मुकद्दस की तिलावत। शुरुआती दौर में ताकीदी हुक्म था तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, लेकिन आखिरी आयत के जरिए से उस ताकीद में कमी लाए। जो आदमी पढ़ना चाहे जरूर पढ़े, पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर अगर लाजिमी हुक्म दिया जाए तो मुशक्कत और परेशानी में पड़ जाए, क्योंकि तहज्जुद की नमाज फर्द नहीं है, वाजिब नहीं है, ये सुन्नत नफिल है। अगर कोई आदमी उसका अहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में कोई भी अमल जो मुस्तकबिल किया जाए उस पर मुदारमत हमेशगी बरती जाए, वह अमल हमेशा किया जाए, वो चाहे कम हो लेकिन अकल व अदम कम हो और हमेशा वाला हो, ये अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने की आदत होनी चाहिए और रोजाना पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ पाता है
तो उस पर गुनाह नहीं होगा, और अगर कोई पढ़ता है तो उसके सवाब में इजाफा दर इजाफा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद गुजारी करते थे। कभी कभी ऐसा होता कि दो चार सहाबा भी मस्जिद नबी में रात के हिस्से में आकर आपके साथ शामिल हो जाते। कभी ऐसा होता कि अपने घर में नमाज पढ़ते थे, आपकी अहलिया शरीक हया सोई हुई है और आप घर में तहज्जुद गुजारी कर रहे हैं। हजरत आयशा सोई रहती थी, कभी आपका पांव अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे की जगह पे चला जाता। जब क़याम में रहते तो खड़े रहते, जब रुकू रहते तो कोई मसला नहीं था। सजदा और कादा करने की बारी आती तो हजरत आयशा के पांव को हटा दिया करती। अंदाजा होता है जगह कम हो, एक ही जगह पे रहना है, वहां नमाज ही पढ़ते हैं, शरीक हयात बगल में है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि औरतें आ जाएंगी तो नमाज खराब हो जाएगी, ये सब खाम खा की चीज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस तरह भी पढ़ी है। ऐसा भी हुआ है कि हजरत मैमूना के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ने के लिए उठे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरा भाई, और हजरत मैमूना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला है, 8-10 साल के बच्चे थे, रात में खाला के घर में रह गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे तहज्जुद गुजारी की, ये भी आपके साथ शामिल हुए। खड़ा होना चाहिए मुक्तदी को बाएं तरफ, मुक्तदी को दाएं तरफ, वो इमाम के बाएं तरफ खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कान पकड़ा और कनेठी दी और उसको घुमा के ला करके फिर अपने दाएं तरफ कर लिया। इसका मतलब है कि अकेला नमाज पढ़ रहा है उसमें कोई शामिल हो सकता है, शामिल भी हो गए। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में पढ़े, अकेले ही पढ़े, मस्जिद में पढ़े, तो कुछ लोग शामिल भी हो गए। उसी शमूलियत का तस्करा यह है, जिसे अंदाजा होता है कि अगर तहज्जुद की नमाज की जमात कर ली जाए उसमें कोई हरज नहीं है। जमात से नमाज पढ़ दी जाए नफिल नमाज, कोई हरज नहीं। जैसे क़यामुल लैल शबे कदर की नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही क़यामुल लैल, वही क़याम रमजान, वही तरावी, वही तहज्जुद, एक नमाज के कई नाम। आपने कभी अलग पढ़ा है, कभी जमात से पढ़ा है। तो अगर कोई आदमी तहज्जुद गुजारी कर रहा हो और उसके साथ कुछ लोग जमात में शामिल हो जाए, कोई हरज नहीं। जब जमात में पढ़ी जाएगी, इमाम जरा ऊंची आवाज से नमाज पढ़ाएंगे, इस तरह जहरी नमाज पढ़ी जाएगी। और हम क्या कहते हैं, إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، آپ کا رب یقیناً اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات کے قریب، یہ آدھی رات کے قریب، یہ ایک تہائی رات کے قریب کھڑے ہونے سے مراد तहज्जुद में खड़ा होना, नमाज पढ़ना, इसमें सिर्फ खड़ा होना ही शामिल नहीं है। तहज्जुद में जितने औकात आपके लगते हैं, चाहे खड़ा हो, चाहे रुकू में, चाहे सजदा में, चाहे कूद में, ये सब मुराद है। यानी क़यामुल लैल करना, इससे पहले कहा गया था कुमिल लैल इल्ला क़लीला, रात भर नमाज पढ़िए, थोड़ा छोड़ दीजिए यानी थोड़ा सोइए, और ज्यादातर नमाज ही पढ़िए। फिर कहा गया निस्फ़हु, ऐसा कीजिए कि आधी रात नमाज पढ़िए, आधी रात सोइए। फिर कहा गया आधी रात से कुछ कम सोइए और आधी रात से ज्यादा नमाज पढ़िए, या आधी रात से ज्यादा सोइए और आधी रात से कुछ कम नमाज पढ़िए। ये सब अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरुआती दौर में दिए। यहां का अल्लाह जानता है जब ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, दो तिहाई रात के करीब आप तहज्जुद गुजारी करते हैं,
रात को तीन हिस्सा में बांट दीजिए, एक हिस्सा गुजरने के बाद दूसरा और तीसरा हिस्सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं। इतना लंबा क़याम होता है, हदीस भी आपके सामने है, तबर्रमत हत्ता तबर्रमत कदमा, इतना लंबा लंबा क़याम फरमाते थे कि आपके पांव सूज जाते थे, फूल जाते थे, ऐसा लगता कि फट जाए, इतना लंबा क़याम होता था। अब बता दीजिए कि दो तिहाई रात जागेंगे और लंबा लंबा क्याम करेंगे तो पोजीशन क्या होगी, और आपका तरीका था जितना लंबा क्याम किया उतना ही लंबा रुकू भी करते थे, उतना ही लंबा सजदा भी करते थे, कितना हो जाएगा अंदाज लगे। तो क्या कहा, आपका रब जानता है क्या दो तिहाई रात के करीब या आधी रात के करीब या एक तिहाई रात के करीब ख़यामुल लैल करते हैं, वतौइफतुम मिनल्लज़ीन मअक, और आपके साथ एक जमात भी है कायम रहती है, आपके साथ एक जमात भी ख़यामुल लैल में शामिल है, एक छोटी जमात, बड़ी जमात मतलब छोटी जमात, और एक छोटी जमात उन लोगों में से जो आपके साथ है, यानी आपके सहाबा में से बास सहाबा भी आपके साथ क़यामुल लैल में शामिल रहा करते हैं, उनका भी मामला दो तिहाई रात एक तिहाई रात या आधी रात, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। वल्लाहु यक़द्दिरुल लैल वन नहार, रात दिन की जो मुद्दत मुतय्यन की है उसकी तकदीर बनाने वाला अल्लाह है। आज घड़ी और मोबाइल की शक्ल में मिनट और सेकंड का पता लगा लेते हैं, मगरिब से लेकर फजर तक कितना वक्त होता है, उसके तीन हिस्से किए जाए तो कितने कितने घंटे बनते हैं, आधा हिस्सा किया तो कितना घंटा बनता है, ये सब आपके पास मौजूद है। जो घड़ी इस्तेमाल नहीं करता, टाइम देखने के लिए उसके पास कोई आला नहीं है, रात के सन्नाटा में बिजली कभी ज्यादा इहतमाम नहीं है, उसको कैसे एहसास होगा कि आधी रात पढ़ रहे हैं कि दो तिहाई रात पढ़ रहे हैं कि एक तिहाई रात पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वल्लाहु युकद्दिरुल लैल वन नहार, अल्लाह ही ने रात दिन को मुकद्दर किया, उसके वक्त मुतय्यन किया, अलिम अल्लन तुहसूह, वो जानता है कि तुम इसको पूरे तौर से गिनती नहीं कर सकते हो, दिन भर इंसान कामकाज में लगा हुआ है, शाम के बाद फौरन कहा गया खाना ना खाओ, ईशा की नमाज पढ़ो सो जाओ, जो दस्तूर था और पहले ही दस्तूर था और बेहतर दस्तूर था उसमें सारा काम हो जाया करता है, अलग सी बात है हम लोगों ने उसे बदल दिया और बदलने के नतीजे में दिक्कत और परेशानी से दो चार हो गए, सवेरे खाए सवेरे सोए, आप फजर से पहले आराम से जाग जाइए, तहज्जुद का भी आपको वक्त मिल रहा है, अगर तहज्जुद का नहीं तो फजर का जो सही वक्त है जिसमें फर्द की अदायगी होगी आप बिना खौफ मुकद्दर जागेगा और आराम से फजर की नमाज पढ़िए। लेकिन हमारा होता क्या है, हमारा शाम का नाश्ता 10 बजे होता है, रात में 12 एक के बाद खाना होता है, कुछ मशवरे होते हैं, बातचीत होती है, दोस्त अहबाब से गुफ्तगु होती है, कुछ मोबाइल में लगे रहते हैं, मालूम पड़ा 2.5 घंटा वैसे ही चला गया, तो 2.5 बज गए, अब तो 2.5 बजे आप सोइएगा और अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़िएगा, कैसे मुमकिन हो सके, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक, अलग सी बात है। उम्मन अच्छे हैं खासे लोग जो 5 वक्त के नमाज के पाबंद होने चाहिए वो 4 वक्त की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन 5 बजे फजर के वक्त बिस्तर पे खर्राटा ले रहे होते हैं, आराम करते हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों का और फजर की नमाज का मोहताज है, हम जब अल्लाह की बारगाह पेश कर देंगे अल्लाह कबूल कर देगा। याद रखिएगा उलमा अरब का फतवा है, अगर 5 बजे नमाज का टाइम खत्म होता है थोड़ी देर मान लीजिए और आपने घड़ी का अलार्म लगाया 6 बजे जागने का,
जानबूझकर फजर के नमाज के वक्त के गुजर जाने के बाद आप जागे, अब काफिर हो जाएंगे, क्योंकि आपने तब्दील किया बदल वक्त को। उससे पहले आपको फजर की नमाज पढ़नी है, याद पढ़ेंगे नहीं तो मनमानी करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको छूट नहीं दे रहे, इसलिए इसका खास ख्याल कीजिए। तो टाइम का पता नहीं चलता था, आज भी देहाती लोगों को वक्त की पाबंदी मिनट सेकंड के साथ नहीं, एक अंदाज से लगा लेते हैं और उनका अंदाज अक्सर बेहतर सही होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आगे पीछे तो हो ही सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है, अब रात में दो दो करके पढ़ते थे क्याम करते थे, हत्ता खशिया तब उनको खतरा लगा शायद फजर हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकअत वितर पढ़ लेते, लगा कि ज्यादा टाइम हो गया। ऐसा भी हुआ, कभी लंबा लंबा काम किया, कभी कम ही काम किया, जैसे मौका मिला वैसे कर दिया। इस तरीके से हमें याद रखने की जरूरत है, रात के औकात या दिन के औकात का सही हिसाब लगा नहीं सकते। इसी फरमाया अलीम अल्लन तो सू हो, अल्लाह जानता है कि तुम हर गिन उसको शुमार और गिनती नहीं कर सकते हो, परफेक्ट उसके वक्त को मुतय्यन नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो आला नहीं है। आज इस सूरत हाल हो गई तब इंसान उसके बावजूद बिल्कुल गाफिल बना हुआ है, जब ये चीजें नहीं थी तब इंसान अपने अंदाज उठता था और वक्त को देख कर सुबह शादी क्या होती है और सुबह शादी क्या होती है उस एतबार से इंसान तखमीना अंदाजा लगाता, एक दो मिनट आगे पीछे या दो चार मिनट आगे पीछे होने का इम्कान है, उस पर कोई गिरफ्तार पकड़ नहीं थी क्योंकि आपके पास असबाब वसाइल नहीं थे। लेकिन अगर आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अब उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। शहरी का जो टाइम खत्म होने वाला है खत्म हुआ, अब जो उसके बाद खाते रहेंगे दो चार मिनट खा ले तो क्या हो गया, अल्लाह ताला कबूली कर लेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसमें तो मालूम हो गया। उस वक्त में जब ऐसा मालूम नहीं था, कोई घड़ी का इंतजाम नहीं था, टाइम टेबल मालूम करने का जरिया नहीं था, आगे पीछे हो सकता है। फरमाया अलीम अल्लम तुसू, अल्लाह जानता है कि तुम उसकी सही सही हिसाब, इसका सही सही हिसाब और सही सही गिनती नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वस्ता नहीं। फता वाले अल्लाह तुम्हारा पता ना, तुम पर मतवज हुआ और तुम्हारी गलतियों पर अल्लाह ने वही माफ कर दिया, क्योंकि इंसान के जज्बात को अल्लाह देखता है, किस इरादे और नेक इरादों के साथ बंदा अल्लाह की बंदगी करने के लिए तैयार हुआ वो देख रहा है। बस पढ़ो जितना आसान हो कुरान का पढ़ना, या कुरान पढ़ने से मुराद क्या है, या कुरान पढ़ने से मुराद कुरान पढ़ना नहीं है, या कुरान पढ़ने से मुराद तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। फकरहू मा तयस्सर मिन अल-कुरान फसल्लू मा तयस्सर मिन अस-सला, जितना आसान नमाज पढ़ना उतना नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज कितनी रकअत है, अब दो रकअत पढ़ सकते हैं, चार रकअत पढ़ सकते हैं, छह रकअत पढ़ सकते हैं, आठ रकअत पढ़ सकते हैं, दस रकअत पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। हदीस रसूल है सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज दो दो करके। किसी साहबी ने आपसे पूछा कि रात में नमाज कैसे पढ़े, मसना मसना दो दो करके पढ़ते चले, अब ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान के मुताबिक कि रमजान हो कि गैर रमजान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, जिसमें 8 रकअत तहज्जुद है और 3 रकअत वितर। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर और बेशतर का मामला है, हमेशा का नहीं है, क्योंकि उसी मुस्लिम शरीफ में उसी जगह उसी बगल में हदीस नकल की है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रात में था, आपने 10 मरतबा यानी 5 मरतबा रकअतैन के 10 गिना किया, यानी 10 रकअत नमाज पढ़ी, सुम्मा उतरा बिल सलात, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकअत भी तिलावत पढ़ी, कितने हो गए 13 रकअत। तो 8 रकअत लाजमी नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर बेशतर का मामूल था, आपने कभी कम भी पढ़ाया, आपने कभी ज्यादा भी पढ़ाया, जैसे हालात मिले वैसे पढ़े। रोजाना यकसा जज्बात नहीं होते, रोजाना लगन यकसा नहीं होते, कभी लगा हुआ तो दो ही रकत में लंबा चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रकत में पढ़ा, सूरह बकरा पढ़ा, सूरह आल इमरान पढ़ा, सूरह निसा पढ़ दिया,
क्याम करेंगे कितना पढ़ सकेंगे। एक रिकत में अगर मान लिए 5-12 पढ़ दिए, छठा 12 दिन जाएगा, 5-12 दिन पढ़ लिया एक रिकत में, कितना टाइम लगेगा? या तो तांग की तरह पढ़ा नहीं होगा, वो तो तरतीब के साथ पढ़े होंगे। एक पारा पढ़ने में हमें आमतौर से 20 मिनट लगता है, अगर थोड़ा देर पढ़े तो, ठहर के पढ़े तो 25 से आधा घंटा, 5-12 पढ़ने में 2.5 घंटे लगेंगे, एक रिकत में 2.5 घंटा अंदाज लगा। तो क्या फरमाया? फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में से जो पढ़ना आपके लिए आसान हो वो पढ़िए। मुराद जितनी रिकत नमाज पढ़ना आपके लिए आसान हो उतनी रिकत नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज के बारे में कहा फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान, अब कहेगा या तो कुरान का तस्किरा नमाज कहां से लेंगे? चूंकि नमाज में और बतौर खास तहज्जुद की नमाज में लंबा ख्याम होता है, लंबा कुरान पढ़ाया जाता है, इस मुनासिब से किराते कुरान को सलात से तामील किया, सलात को नमाज को किराते कुरान से तामील कर दिया। जैसे मुस्लिम शरीफ के हदीस है, अल्लाह तबारक वताला फरमाता है हदीस कुसी कतम कसम सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर दिया, आधा मेरे लिए है और आधा बंदों के लिए, बीच की दरमियानी आयत बंदा और अल्लाह दोनों के दरमियान कदर मुश्किल आ गया। वहां सलास मुराद क्या है? सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा को अल्लाह तबारक बता रहा है अपने रसूल के जरिए सलात कहलवाए, नमाज कहलवाए। क्यों? कि नमाज का लाजमी से सूरतुल फातिहा पढ़ो, उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं हो सकती। तुम्हारा जिस तरह सलात सूरतुल फातिहा के लिए कहा गया, इसी तरीके से फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान तहज्जुद की नमाज के लिए कहा। तो तहज्जुद की नमाज कितना पढ़ना है? 2 रिकत भी पढ़ सकते हैं, 4 रिकत भी पढ़ सकते हैं, 6-8 भी पढ़ सकते हैं, 10-12 भी पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुन्नत की अदायगी करनी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर और बेशतर दिनों के मामूल का मामला यह है कि अक्सर आप 11 रिकत पढ़ते थे, जिसमें से 8 रिकत तहज्जुद होती थी और 3 रिकत भी पढ़ते थे। क्यों ऐसा फरमाया? फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान, पढ़िए आप जितना आसान हो कुरान का पढ़ना, या नमाज पढ़िए आप जितना आसान हो तहज्जुद की नमाज पढ़ना, वो 2 होगी 4। क्यों? अलिम अन सयकून मिनकुम मर्दा, वो जानता है अन करीब तुम में से कुछ लोग बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने 8 रिकत पढ़ने का मामूल बनाया है, और जो इंसान मामूल का पाबंद होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारी वो चीज छोड़ लेना पाए। तहज्जुद का पाबंद है, तहज्जुद छोड़ना नहीं है। जब तहज्जुद छोड़ना नहीं है हम 8 रिकत पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो 2 रिकत पढ़ सकते हो, 2 रिकत पढ़ लो तुम्हारी तहज्जुद हो जाए। दूसरी बात, वआखरून यज़रिबून फिल अर्दी यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो रूए जमीन में घूमते फिरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का फजल तलाश करते हैं, यानी या तो सफर में गए हुए या दिन भर काम काज में लगे हुए, रोजी रोटी के तलाश में जस्तजू में लगे हुए, वक्त उनके ज्यादा चले जाते हैं, थक हार के परेशान होते हैं, काम काज सही से नहीं हुआ, शाम को घर वापस हुए तो घरेलू उलझन भी है, रात में नींद देरी से आई फिर भी उठे, तो ऐसा लगा कि अगर 8 रिकत के पाबंद बन जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। क्या जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ लो, 2 ही रिकत पढ़ लो, 4 रिकत पढ़ लो, 6 रिकत पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, फिर तुम्हारी तहज्जुद की आदत बरकरार रह जाएगी और अकल वादम कम हो और हमेशा की वाला अमल हो जो अल्लाह की बारगाह पसंदीदा है उसके मुताबिक तुम्हारा अमल हो जाएगा। एक तीसरी चीज बताइए, وآخرون يقاتلون في سبيل الله, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, यहां तो नरम गरम बिस्तर छोड़ा नहीं जाता है, वह जिहाद भी सबीलिल्लाह कर रहे, कटने और मरने के लिए तैयार है,
काट भी देंगे और कटने का मौका मिला तो कट भी जाएंगे। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए आदमी जान मान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको आधे दिन तहजीब पढ़ेगी। दिन में जिहाद किया है, शाम को थका मादा आया, फिर रात में तहजीब ही पढ़नी है, तो अल्लाह ने कहा जितना पढ़ सकते हो तो नहीं पढ़ो। जिस्म पे जख्म लगा हुआ है, बदन में तीर घुसा हुआ है, फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ा। तेरी के बारे में बहुत मशहूर बात है कि उनको तीर लगा हुआ था, तो कहा इनका तीर निकाला कैसे जाएगा, कहा जब नमाज में शामिल हो जाए तो निकाल लेना, इन्हें पता नहीं चलेगा तीर निकला कि नहीं निकला। ये नमाज पढ़ते थे वो सहाबा इकराम। आज हमारी नमाज का हाल क्या है, मच्छर भर बनाने लग जाए या कि हल्का फुल्का खुजाने लग जाए तो मुस्तकिल दाढ़ी इधर दुकान इधर, इधर खुजाना उधर खुजाना, ये मुस्तकिल हमारा मामला होता है। ये हमारी नमाज का हाल है। वो सहाबा नमाज में अगर गुम हो गए, लग गए, बदन से तीर निकला और जख्म खून निकलने के नतीजे में आपका कपड़ा खून से आलूद हो गया और पता नहीं चल रहा है उनके बदन से तीर निकला, ये उनकी नमाज थी। क्या फरमाया, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अल्लाह के रास्ते में किदार करने वाले होंगे, लेकिन रात उनको तहजीद पढ़ना है। अब कहेंगे ना तुमको आठ ही निकल तहजीद पढ़ना पड़ेगा, लंबा लंबा कयाम करना होगा, उस पर तो जुल्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हें आजादी दी आती है, फकरकू मा तयस्सर मिनहु, जितना पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना पढ़ो। दो रिकत पढ़ना आसान है, दो ही रिकत पढ़ो। दस मिनट की रिकत नहीं होगी, चार मिनट की रिकत होगी, दो मिनट की रिकत होगी, दो ही मिनट वाली नमाज पढ़ लो, मगर पढ़ो। ऐसा नहीं कि रुकू सुजूद आपका सही ना हो, रुकू सही होने चाहिए, सजदा भी सही होना चाहिए, क़याम क़ुउद सही होने चाहिए, तिलावत कुरान भी सही होनी चाहिए, कम ही पढ़िए मगर पढ़िए। मकसद क्या होगा, जो आपकी आदत होनी चाहिए उसे बरकरार रखिए, उसमें कमी ना दीजिए, पढ़िए मगर पढ़िए। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, तीन बातें बयान की है। एक तो यह है कि अल्लाह जानता है तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे, बीमार से कहिएगा कि दो तिहाई हिस्सा पढ़िए, एक तिहाई रात पढ़िए, एक तिहाई रात के मतलब तकरीबन तीन घंटे हो जाते हैं, तीन घंटा क्या लाइन में लगे रहिए, जुल्म हो जाएगा। कहा अपनी बीमारी का भी ख्याल करो और खुश दिली के साथ आसानी जितना नमाज पढ़ सकते हो उतना नमाज पढ़ो। दूसरे लोग काम काज में मशगूल होने के नतीजे में थके मादे रहते हैं, लकड़ी काट के जंगल से लाते हैं, रोजी रोटी के मसले हल करते हैं, तो आराम करने वाला आपको तौफीक नहीं मिलती है, लेकिन ठेला खींचने वाले रिक्शे खींचने वाले ऐसे लोग मौजूद है जो फजर की नमाज भी याद करते हैं, वो तहजीब गुजारे भी करते हैं, रहने का घर नहीं है, किसी नाली के किनारे रहता है, वही ठेला या रिक्शा खड़ा किया और वही नमाज पढ़ते हमने देखा, ऐसे भी लोग हैं। कहा इसके अलावा कुछ मुजाहिदीन है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले अफराद हैं, इन पर भी पाबंदी याद कर देंगे कि एक तिहाई रात या आधी रात या इतने दिन में इतना वक्त को पढ़ना होगा, मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या कहा, फ़क़रकू मा तयस्सर मिन्हु, जितना उसमें से पढ़ना आसान हो उतना पढ़ो। मुराद ये तो कुरान पढ़ना, और चूंकि तहज्जुद का तज़किरा चल रहा है, जितना तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो और जितना लंबा या छोटा पढ़ना तुम्हारे लिए मुनासिब हो उसी को। जब देखिए फिर भी मसला याद कर लीजिए, कुछ भाइयों ने कहा कुरान का जितना पढ़ना आसान उतना कुरान पढ़ लो, तो अगर एक दो आयत पढ़ लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, फिर सात आयत सूरह फातिहा को पढ़ने की जरूरत, इसका मतलब ये हुआ कि सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको कहते हैं मारे घुटना भूखे सर। कहां से कहां लेके चले आए, कब कुरान का फकर हूं मा तयस्सर मिन्हु, हमें एक दो आयत पढ़ने की इजाजत, एक दो आयत पढ़ने में आसानी है, एक दो आयत पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम अल्लाहु अकबर, कुरान कहता नहीं। अब इस तरह की अगर तहजीद हमको पढ़ना है, कम से कम दो रिकत तहजीद होती है, एक ही रिकत पढ़ लिया, हमारे एक ही रिकत पढ़ना आसान है, ये तो इसी तरह हो गई। जबकि कुरान को सबसे बेहतर वो समझता है इस पर कुरान उतरा है, किस पे उतरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है जितना आसान पढ़ना उतना आसान, अगर मानते हैं इसमें कुरान पढ़ने का तज़किरा है, हालांकि मुराद तहजीद पढ़ने का है, नमाज पढ़ने का जिक्र है, कुरान पढ़ने का जिक्र नहीं,
चूंकि नमाज में ज्यादा कुरान पढ़ा जाता इसलिए कुरान का खुसूसी तज़किरा किया गया, वरना तहज्जुद का जिक्र है। अब अगर तहज्जुद के जिक्र की वजह आपकी क्या नहीं पता, कुरान पढ़ना मामला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना पढ़ना होगा उतना तो है, वो क्या है कि मत पढ़ो मगर सूरह फातिहा, क्योंकि उसके बगैर कोई नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा बगैर पढ़े बगैर ला ला तफ़अलु इल्ला बिल कुरान, ये ला सलातु लिमन लम यक़्रा बिफातिहा किताब, जो इंसान सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज होगी ही नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत को मद्देनजर रखते हुए ये फरमान जारी किया कि आपको सूरह फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा, तो मनमानी अंदाज से हम क्यों किसी की बात ले सकते। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, ये तो तहज्जुद का मामला था जो नफिल है, कसरो नफिल नहीं पढ़ सकते हो रात में। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, नमाज तो कायम करना होगा, फर्ज नमाज तो पढ़ना होगा। जैसे हदीस है जब ने फरमाया कि जो इंसान रात में सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत करीमा पढ़ लेता है, कफता ये दो आयत उसके लिए काफी हो जाती है। किसके लिए काफी होती है? इसकी कई तफसीलें यह है कि जिन से इंसान से दुश्मन से हर किस्म की तबाही बर्बादी के लिए यह आयत काफी है, जो पढ़ लेगा वो महफूज हो जाएगा। इसलिए बात बताइए कि जो आदमी दोनों आयतों को पढ़ लेता है उसके लिए तहज्जुद की जगह पर यह आयत काफी हो जाती है, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ेगा और ये दो आयत पढ़ लेगा उसको सवाब मिल जाएगा। तो कभी बहुत हैरानी में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, मुश्किलात में है, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम ये दुआएं पढ़ लीजिए, वो तहज्जुद गुजारने का सवाब भी मिलेगा, ये नफिल है। फिर अल्लाह ने कहा कि सुनो, नफिल के मामले में तुम्हें छूट दी जाती है, रात में तहज्जुद गुजारने के सिलसिले में तुमको रुख्सत दी जाती है कि दो रिकत पढ़ोगे, छह रिकत पढ़ोगे, आठ रिकत पढ़ोगे, दस रिकत पढ़ो, वो तुम्हारा छूट का मामला है। लेकिन फर्ज नमाज के दायरे करना पड़ेगा, फजर में आपको दो पढ़ना ही है, जोहर में चार पढ़ना ही है, असर में चार पढ़ना ही है, मगरिब में तीन पढ़ना ही है, ईशा में चार पढ़ना ही, सोचिए इसमें हमको इसमें भी कटौती कर दें, ईशा में रात में थक के आते हैं दो ही रिकते काम चला लें, जोहर के वक्त में काम काज का बाजार हाथ लगता है वो भी दो ही कर लें, असर में जोहर का मामला खाने पीने का रहता है, कल अगर नहीं करता जो कर दो कर ले, नहीं चलेगा, जो फर्द है वो फर्द है, उसमें किसी किसी में कटौती नहीं होगी। तो नफिल नमाज से मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला रुख्सत दिया है, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं, कर लेगा आपका फायदा नहीं कीजिएगा आपका नुकसान नहीं। क्या फरमाया? वकीमुस्सलाह, नमाज कायम कीजिए, वातुस ज़का और ज़कात अदा कीजिए। बारह से पहले बात आ चुकी है कि नमाज और ज़कात कुरान मुकद्दस में मिसाली शक्ल की बात बयान की, मतलब नमाज के जरिए से हुकूकुल्लाह की अदायगी का दर्श दिया गया और ज़कात के जरिए से हुकूकुल इबाद की अदायगी की तालीम दी गई, यानी हक अल्लाह के भी अदा कीजिए और हक बंदों के भी अदा कीजिए। और जिस तरीके से तहज्जुद गुज़ारी के जरिए से इंसान अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है, नफिल है, उसी तरह फरमाया वअक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, और अल्लाह को अच्छा कर्जा दीजिए। अल्लाह कर्जा क्या जरूरत है? जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है वो अल्लाह कर्जा देता है, जो इंसान गरीबों नादार पर खर्च करता है वो अल्लाह को कर्जा देता है, जो इंसान मोहताज जो लाश को अता करता है वो अल्लाह तबारक व तआला कर्जा देता है। क्या फरमाया? नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दो, कर्ज यहां से ना दो। एक आदमी कर्ज किसी को दिया, उम्मीद है कि वापस मिलेगी, वापस लेना है या हम कर दें, लेकिन अगर आपने दे दिया और कहीं आपका हो गया, आप नियत कर ले देगा तो ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है, ये कर्ज हासिल है, जो सदका खैरात कर दिया ये कर्ज हासिल है, अल्लाह को आपने कर्जा दिया, बजाय बंदा को दे रहे हैं लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में जमा हो रहा है। क्या कहा? नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज हासिल है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, किताब सुन्नत के फरोग इशाद के लिए, अल्लाह के बंदों की इमदाद और मदद करने के लिए खर्च कीजिए माल। ये दर हकीकत अल्लाह को कर्ज देना है और कर्ज हंसना देना। वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह व खैरन बादा अजरा, और जो कुछ तुम अपने लिए
भलाई के कामों को आगे पेश करोगे, तजिदू इंदल्लाह, उसे तुम अल्लाह के पास पालोगे। कैसे इस गर्व पाओगे? वह खैरा, वो बेहतर से बेहतर होगा, वहाद महजरा, और बेहतरीन यानी ज्यादा जो सवाब का हामिल। क्या मतलब हुआ? इंसान जो भी इबादत करता है, जो खैर का काम करता है, या जो माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, दोनों उसमें है। कुरान मुकद्दस में जगह जगह पर माल को खैर से ताबीर किया, माल खराब चीज नहीं है, अगर उसका इस्तेमाल गलत किया तो बहुत गलत है, लेकिन इस्तेमाल सही किया तो दर्जात की बुलंदी का तो बेहतरीन जरिया है, गरीबों नादार की मदद करने का बेहतरीन जरिया है, दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करने का बेहतरीन जरिया है। अगर तो फरमाया, जो कुछ भी तुम अपने फायदे के लिए खैर के काम, चाहे माल की शक्ल में हो, तहजीब गुजारी की शक्ल में हो, इबादत की शक्ल में हो, दुआ मुनाजात की शक्ल में हो, दीन की तरवीज इशाअत की शक्ल में हो, जो भी खैर का काम तुम आगे भेजोगे, तजीदु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक से पाओगे। कैसे पाओगे? वह खैरा, वो बेहतर से बेहतर शक्ल में मौजूद है। आपने 10 दिया है, आपने 1 रुपया दिया, वो 700 गुना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला देगा। बल्कि ये भी कुरान में कहा, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाअ बिला हिसाब, अल्लाह जिसे चाहेगा बिला हिसाब दे देगा। आपने नमाज पढ़ी है, उसका सवाब मिलना है। अब रोजा रखे, उसका सवाब कितना देगा अल्लाह? अल्लाह के बारे में किसी फरिश्ते को मालूम नहीं। अस्सौमुली व अन अजदी भी, रोजा मेरे लिए है, रोजा का बदला मैं खुद दूंगा, कितना दूंगा किसी को पता नहीं। तो जो भी नेक काम अपने लिए आप भेज करते हैं, जो आपने भेज दिया, जो कर लिया वही आगे काम है। जो पैसा आपने सदको खैरात कर दिया, वो आपका असल पैसा है, खा के बर्बाद कर दिया, या जो छोड़ दिया अपने वारिसीन के लिए, आपका पैसा ही नहीं है, जो खा के खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो बाल बच्चे, उसकी दो सूरत है, या तो बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया, तो बीवी बच्चे का माल हो जाएगा, आपका तो होगा नहीं, आप तो हाथ खोल के चले जाएंगे, जेब से भी निकाल लिया जाएगा, अलमारी लॉकर से भी छीन लिया जाएगा, वो माल बंटवारे हो जाएंगे। आपने जो खर्च कर दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो आपके लिए अल्लाह की बारगाह में जमा है, और बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह तबारक व तआला उसको दे, कितना बढ़ाएगा आपकी नियत जैसी होगी, उसके मुताबिक अल्लाह उसका बेहतर से बेहतर बदला देगा। इसी कुरान ने क्या कहा? जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने लिए, मिन खैरिन, माल में से, या मिन खैरिन, खैर के काम में से, तजिदु इंदल्लाह, उसे तुम अल्लाह के पास पाओगे, वह खैरुम व आदम अजरा, वो बेहतर से बेहतर होगा, और अजर के एतबार से बहुत बड़ा होगा। वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से मगफिरत की दुआ करो, क्योंकि भूल चुक हो सकती है, रात में जागना था, मालूम पड़ा कि टाइम खत्म हो गया, फिर भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, एहसास नहीं हुआ, रोजा रखना था, शेरी खाने की बारी आई, शेरी हमको रात में खा लेना चाहिए था, हम इंतजार किया, पता चला कि वक्त गुजर गया, हमको पता ही नहीं चला, फिर भी आपने खा लिया, ये उस वक्त के लिए था जब मालूम नहीं था, लेकिन आज आपके पास सारे असबाब वसाइल मौजूद है, आपको पता है फला वक्त हमारी फ्लाइट और हमारी गाड़ी है, उससे पहले इंतजाम करते हैं, इंतजाम करते हैं, उठने उठाने का सारा नजम करते हैं, ये उज्र खत्म आपके लिए होगा। जिसके लिए उज्र नहीं, जिसके लिए उज्र नहीं है वो मसला उसके लिए नहीं, जिसके पास उज्र है उसको पता ही नहीं चलता है, तो क्या चलो तुम्हारे लिए गुंजाइश। इसने फरमाया, अगर भूल चूक हो गई रात के जागने में, या इबादत करने में, या फजर के लिए उठने में, या सदका खैरात करने में, या नमाज की पाबंदी में, या ज़कात के लेन देन में, या कर्ज हसना देने में, या किसी भी नेक काम में इंसान भूल चूक से दो चार हो सकता है, कहा तुम अल्लाह की बारगाह में मगफरत की भीख मांगो, क्या? वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से मगफरत की दुआ करो, अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 बख्शे बख्शाए हैं तब अल्लाह तबारक व तआला से मगफरत की भीख मांगते हैं। हम लोग गुनाहों में लतपत है, लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती, माफी मांगने की तौफीक नहीं मिलती है। दर हकीकत ये बहुत बड़ी कोताही की बात है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। फरमाया, इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला। क्यों फरमाया? वजह यह है, जितनी भी इबादतें आप कर लीजिए, अगर आप सोचते कि हमने इबादत कर लिया, जन्नत तो हम जाना ही जाना है, भूल आपकी। जब तक अल्लाह की जानिब से मगफरत नहीं होगी, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आप पर रहम नहीं होगा, इबादतों का अंबार लगा दीजिए, अब जन्नत में नहीं जा सकते।
एक मरतबा अल्लाह ने फरमाया तुम में से कोई इंसान ये ना समझे उसका अमल उसको जन्नत में ले जाएगा या अपने अमल की वजह से वो जन्नत में चला जाएगा। तो सहाबी रसूल ने पूछा बनाते या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने अमल से जन्नत में जाएंगे? अपने फरमाया वला ना मैं भी नहीं जाऊंगा अपने अमल से इल्ला अय यतगम्मदनी अल्लाह बिर इल्ला यतगम्मदनी अल्लाह रब्बी बिमग़फिरतिन वला ना हां मेरा रब मुझको अपनी मग़फिरत में अपनी रहमत में जगह देगा तब मैं जन्नत में जा सकता। अच्छा अमल किया, रात में तहज्जुद गुज़ारी की, जिक्र अस्कार किए, दुआ मुनाजात किए, जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी के हासिल करने में लगे रहे, मरीज और बीमार उसके बावजूद अल्लाह की बंदगी की, इलावा नमाज पढ़ा, ज़कात दिया, सदका और खैरात किया, अच्छे काम किए, ये सारे काम किए हैं, कहा ये सब अच्छे काम है, ये अल्लाह की बारगाह मकबूल होती की होती है। इन अच्छे कामों को मकबूल बनाने के लिए अपनी कोताहियों पर अल्लाह तबारक व तआला से अशके बारगाह में अशके अदावत पढ़ाइए, रोइए धोइए और उस इबादत को कबूल करने के लिए अल्लाह से दुआ कर ली। अब अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है, हमारी इन इबादतों को शर्फ़े कबूलियत बख्शेगा और नतीजे के तौर पर हम जन्नत के हकदार और मुस्तहिक बन जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम से होगा और उसके फजल से होगा। तो कुरान ने क्या कहा, सारी इबादतें करने के बाद आदमी इतराए नहीं, शेखी ना बगाड़े, तकबर ना करे, घमंड के अंदर मुब्तला ना हो जाए, घमंडी ना बन जाए, बल्कि वो सोचे कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए मौका दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान उसकी तौफीक है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इबादत के दरमियान जो कोताही हुई हो उससे अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लीजिए और साथ साथ ये सोच लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला है। इबादतों का नजराना पेश करके अल्लाह से मगफरत की भीख मांगेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, हमारी मगफरत करेगा, हमारी इबादत कबूल कर लेगा और हमें जन्नत में दाखिल भी कर देगा। अल्लाह हमें और आपको रब्बुल मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में हकीकत दरार समझने समझाने और इसी मुनासिब से अपनी नामाज में लगाने की तौफीक बनाए। यहाँ सूरह मुज़म्मिल खत्म हुई है, इंशाअल्लाह सूरह मुद्दस्सिर की तिलावत और उसकी तफसील जारी है।